हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न विद डी ए, लेट्स लर्न विद डी ए। डी ए दीपिका आनंद, मैं आपकी होस्ट हूँ और मेरा नाम है दीपिका आनंद, जैसे कि आपको पता ही है ना। और मेरे आसपास का शोर कभी ख़त्म नहीं होता, कभी कुछ आवाज़ आती है, कभी कुछ आवाज़ आती है। और इतनी गर्मी में मैं फ़ैन ऑफ करके रिकॉर्डिंग करने लगी हुई हूँ, तभी मैं आलस के मारे ना वीडियो नहीं बना रही ये वाली, क्योंकि मुझे उसके लिए शांति चाहिए होती है। उसके लिए फ़ैन वैन ऑफ करने पड़ते हैं और साउंड रिकॉर्डिंग में फ़ैन की आवाज़ें आती हैं। सीरियसली बहुत गर्मी है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 का सोल्यूशन, जो मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जल्दी जल्दी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा है? पहले मैंने सिलेबस पढ़ा दिया आपको। ठीक है, सिलेबस पढ़ा दिया। आज मैं थोड़ी सी अपनी ना मदर टंग थोड़ा कम यूज़ करूँगी। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन पढ़ ली है। उसके बाद टाइप ऑफ सोल्यूशन पढ़ लिया है, थोड़ा स्टाइल से बात करूँ, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन पढ़ लिया है मैंने, पढ़ा दिया है। पिछली वीडियोस देखो, इसी चैप्टर की दो वीडियोस डाली हैं, दोनों में मैंने पढ़ा दिया होगा, ये सब पढ़ा दिया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन, ये सब मैंने पढ़ा दिया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे थोड़े से न्यूमेरिकल, ये दो तीन न्यूमेरिकल्स हैं, ये कर लेंगे। सामने दिख रहे थे मेरे को, तो मैंने सोचा पहले मैं करवा देती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पकड़ूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 2.1 जो है, कैलकुलेट मोल फ्रिक्शन निकाल लिया हम लोगों ने इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2। ठीक है, ये ग्लाइकोल का फॉर्मूला है। ठीक है, कैलकुलेट द मोल फ्रिक्शन ऑफ द इथिलीन ग्लाइकोल इन द सोल्यूशन ऑफ 20% क्या है इथिलीन ग्लाइकोल बाय पास, मतलब 20% इथिलीन ग्लाइकोल निकालना है, मास परसेंटेज निकालनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान भी होता है। चलो, सो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर टिक कर लो यार। ठीक है, इसके ऊपर टिक कर लो, ये कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो एज्यूम करना पड़ेगा हम लोगों को। तो टोटल सोल्यूशन हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कितना है, 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, ये सोल्यूशन है, शॉर्टकट में लिख लो, सोल्यूशन है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, 20 ग्राम। अब उन्होंने 20% इथिलीन ग्लाइकोल बोला ना, है ना, तो 20 ग्राम हम लोग क्या लिख के चलेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल। अब उनकी क्वांटिटी के हिसाब से 20 ग्राम मैं पूरा क्यों लिख रही हूँ, C2H6OH इथिलीन ग्लाइकोल लिखूँगी। OH थोड़ी है यार, O2 है, क्या लिखती रहती हूँ मैं भी, O2 आ गया। ठीक है, 20 ग्राम हम ले ये लेके चलेंगे। तो हमें मोलर मास चाहिए किसका, इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास चाहिए। मोलर मास हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में देखा हुआ है, मैंने बताया हुआ है, सिखाया हुआ है, तो एक बार फिर से बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम। मोलर मास निकालेंगे इथिलीन ग्लाइकोल का, मोलर MOLAR मास ऑफ, लिखते जाओ साथ साथ में, C2H6O2 का। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कार्बन का एटॉमिक वेट है 12। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई, और टू मॉलिक्यूल्स हैं, 2 प्लस हाइड्रोजन का कितना है, 1 मल्टीप्लाई, कितने हाइड्रोजन है, 6। साफ जगह पे निकालूं, ये देखो C2H6O2, तो कार्बन का एटॉमिक वेट है 6, 6 इंटू 2 मॉलिक्यूल्स है 12, अरे 6 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट 12 है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना रहता है, 1, एटॉमिक वेट भी 1 है इसका और एटॉमिक नंबर भी, और 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 के साथ मल्टीप्लाई। और ऑक्सीजन कितना है, 16 होता है उसका एटॉमिक नंबर और 16 होता है उसका एटॉमिक वेट, तो मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 2 मॉलिक्यूल्स, काउंट कर लो कितना होता है, 24 प्लस 6 प्लस 32, काउंट करके कितना आया, 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, 62 ग्राम पर मोल इसकी मोलर मास आ गया, किसका, इथिलीन ग्लाइकोल का। ठीक है, ओके, लिख लिया, करूँ आगे। सो हमारे पास मोलर मास आ गया, ठीक है, मोलर मास आ गया इसका, मोलर मास हम ये निकाल रहे हैं ऑफ C2H6O2 इज इक्वल टू 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोल्स ऑफ C2H6O2 मतलब इथिलीन ग्लाइकोल कितना हो जाएगा, हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े ना, 20 ग्राम अपॉन 62 ग्राम टोटल ग्राम के साथ, मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, एवरेज जैसे निकालते थे ना, अरे जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालते हैं ना, वैसे ही जैसे मैथ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वैसा, ग्राम पर मोल। ठीक है, सो इनको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा आंसर आएगा, 0.322 मोल आंसर आ जाएगा। ठीक है,
राम राम कट जाएंगे तो मोल रह जाएगा, तो मोल आंसर आ जाएगा। ओके सो आगे क्या निकालना है, पानी भी निकालना ना, मोल्स ऑफ वाटर भी निकालना है ना, ये तो मोल्स ऑफ ये थ्री ग्लाइकोल निकाला, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर इसका भी वही निकालना है। पानी कितना है हमारे पास, अरे 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल हो गया ना, तो पानी कितना बचा, टोटल हम लोगों ने लिया था 100 ग्राम, लेट किया था ना, ज्यूम किया था ना, तो टोटल हम लोगों ने 100 लिया था, 20 ग्राम आपका इथिलीन ग्लाइकोल हो गया, तो बचेगा कितना 80%, तो 80 आपका वाटर है, ठीक है, 80 ग्राम आपका पानी आ गया। उसके नीचे हम लोगों ने कितना निकाला था, मोलर मास ऑफ द इथिलीन ग्लाइकोल टोटल सोल्यूशन का, तो हमारे पास वाटर H2O होता ना, H2O O कितना था, H कितना हो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 12, और टोटल कितना हो गया 16, अरे ऑक्सीजन का था कितना था 16 था, 16 मल्टीप्लाई प्लस 2 कितना हो गया 18, तो टोटल हो गया 18, ये पानी का आ गया, ठीक है। तो पानी के साथ 18 डिवाइड बाय 18 ग्राम पर मोल कितना हो गया इसका आंसर 4.444 मोल, ठीक है, यह निकल गया आपका मोल, ये मैंने साइड पे H2O का मोलर मास निकाला था, मोलर मास, समझ आ गई, अच्छे से समझाया यार, अच्छे से समझ आया। तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग निकालेंगे ये क्या है, एक्स ग्लाइकोल, मोलर मास ग्लाइकोल, GLYCOL फॉर्मूला लिखा, तो मोल्स ऑफ अभी अभी निकाला ना हम लोगों ने C2H6O2 अपॉन टोटल किसका, इथिलीन को भी प्लस करना है, टोटल हो गया ना 100, तो जो हमने निकाला है मोल्स ऑफ H2O पानी प्लस मोल्स ऑफ C2H6O2 अभी अभी निकाला ना हम लोगों ने, कितना कितना निकाला लिखाओ, 0.322 मोल अपॉन 0.322 प्लस 4.444 मोल, ठीक है, ऐसे करना, समझ आया, क्लियर हो गया ना, इसका आंसर मैं ऊपर लिख दूँ, इसका आंसर आएगा 0.068, अभी आंसर नहीं आया है, ये हम लोगों ने क्या निकाला, मोलर फ्रिक्शन, मोल फ्रिक्शन ऑफ ग्लाइकोल निकाली है, क्या निकाला, मोल फ्रिक्शन ऑफ ग्लाइकोल निकाला है, पानी का भी ऐसे ही निकालना है, आप निकालोगे, पानी कितना हो गया 4.444 अपॉन टोटल आ जाएगा, ठीक है, 0.322 प्लस 4.444 निकाल ले, तो ये हमने मोल मास ऑफ मोलर, ये जो एक्स ग्लाइकोल लिखा ना, ये मोलर मास निकाला, मोलर फ्रैक्शन लिखा, फ्रैक्शन, तो निकालो फिर एक्स ऑफ H2O वाटर, एक्स क्या है, मोलर मास ऑफ वाटर, तो निकालो 4.444 अपॉन 0.322 प्लस 4.444 अपॉन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, करूँ क्या आगे, 4.444 अपॉन यहाँ पे भी 4 है, तो इन दोनों को प्लस करके आएगा हमारे पास कितना आएगा 6.67.4, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके 0.932 आ गया, ठीक है, 0.932 आ गया, ठीक है जी, सो ये आ गया आपका मोल फ्रिक्शन। अभी मोल फ्रिक्शन ऑफ वाटर कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड, इसको इसको हम लोग माइनस 1 भी कर सकते थे, जो हम लोगों ने उसकी ग्लाइकोल की निकाली थी ना, तो उसको 1 माइनस भी कर सकते थे, तब भी आंसर आ जाना था, इन्होंने लिखा हुआ बुक में लिखा हुआ, अगर हम लोग मोल फ्रिक्शन ऑफ वाटर निकालनी थी ना, FRACTION ऑफ वाटर निकालनी थी ना, उसको हम लोग 1 के साथ जो पिछला हम लोगों ने माइनस वो किया था ना, निकाला था ना उसका, किसका, उसका ग्लाइकोल का निकाला था, ये एक्स ग्लाइकोल निकाला था ना, GLYCOL निकाला था ना, कितना निकला था 0.068, हाँ इसके साथ इसको माइनस भी कर सकते, तब भी सेम ही आंसर आना था, है ना, तो यहाँ पे आ गया 0.0932, ठीक है, समझ आई, होपफुली समझ आई होगी यार, मेरे को गर्मी में मैं सड़ रही हूँ समझाने के लिए, होपफुली आपको समझ आई होगी, पसीने से तर होगी, अगला क्वेश्चन, तीन ही क्वेश्चन कराऊंगी आज, सो अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कैलकुलेट द, ये क्या है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर ऑफ ml ऑफ द सॉल्यूशन, ओ गॉड कितनी गर्मी है यार, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन,
सो है एग्जाम्पल नंबर 2.2, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन. तो मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग कितना 5 ग्राम ऑफ NaOH इन कितने 450 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन निकालना है हम लोगों ने. तो चलो सॉल्व करते हैं सोल्यूशन नंबर ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, तो मोल्स निकाल लेते हैं किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, NaOH के. तो कितना है 5 ग्राम अपॉन कितना पानी है, कितना सोल्यूशन है 450, ठीक है, ग्राम पर मोल. ठीक है, सोल्यूशन है तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 0.125 मोल आंसर आएगा. ठीक है ना, ग्राम के साथ ग्राम कट जाते हैं तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.125 आंसर आ जाएगा. उसके बाद हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है लीटर्स निकालना. पोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द क्या सोल्यूशन, है ना, ये डेफिनेशन थी ना मोलैरिटी की. फिर से बोल रही हूँ कि डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर है ये मोल्स क्या करता है, ऑफ किसके, सल्यूट के. सल्यूट डिजॉल्व इन किसके अंदर 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ किसके अंदर सल्यूशन. ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी, याद रख लो. ओके, बोल रहा मैंने सारे डिलीट कर दिया. अच्छा, मोल ऑफ वो लिख लिया ना आपने, है ना, मोल ऑफ NaOH. मैं अभी सॉल्व नहीं करूँगी, मैं सिर्फ लिखूँगी मोल ऑफ NaOH. ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू 0.125. अभी मैंने निकाला, पीछे देख लो. ठीक है, पीछे करो, बैक साइड वो करो, रिवाइंड करो वीडियो को, पता चल जाएगा थोड़ा सा पीछे जाके. तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 450 था ना, 450 ml है, ml को 1000 के साथ डिवाइड करो, लीटर आ जाएगा, है ना, ml. तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000. तो ये आंसर आ जाएगा ml per liter. तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन सॉल्व करके तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, MOLARITY. तो सल्यूट कितना था, 0.125 मोल ऑफ सल्यूट हम लोगों ने निकाला ना, इसके साथ भी मोल है, मल्टीप्लाई 1000. ठीक है, 1000 ml पर लीटर अपॉन 450. अरे ये वाली इक्वेशन लिख रही हूँ, 450 ml. तो इनको कांट छाट के जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से, 0.278 मोल. ठीक है, मोलैरिटी, बड़ा एम मोलैरिटी के ऊपर आता है, मतलब बड़ा एम जो है वो मोलैरिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. तो 0. इसको हम लोग एक और टर्म लिख सकते हैं, 0.278 मोल पर लीटर, छोटा वाला मोल पर लीटर. ठीक है, ओके, सेकेंड पार्ट भी हो गया, समझ आ गई आपको, अच्छे से समझ आई ना. चलो फिर नेक्स्ट करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है. सो नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलैलिटी. मोलैलिटी क्या था, डेफिनेशन मोलैलिटी का, हाँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ द किसका, सॉल्वेंट, नॉट सल्यूशन, सॉल्वेंट. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट SOLUTE, सल्यूट किसमें पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. मोलैरिटी कहती है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. और ये बोलती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कौन, मोलैलिटी बोलती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, याद रखो. तो अब आ गया, सॉल्व करते हैं. तो मोलर मास ऑफ किसका निकालना है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैलिटी कितनी है हमारे पास, 2.5 ग्राम ऑफ इथनोइक एसिड है हमारे पास, CH3COOH. ठीक है, और 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में डाला इसको. तो चलो निकालते हैं, पहले तो मोलर मास निकालो, मोलर मास मास ऑफ किसका, C2H4O2, इसको शॉर्ट करके लिखा, दो सी है ना, C2 हो गया, ठीक है, H4 हो गया और O2 हो गया. ओके, इतना एक एसिड. तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना है कार्बन, कितना होता है कार्बन का वेट, कितना 12, जल्दी बोलो जल्दी, 12 × 2 प्लस पानी, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 × 4 प्लस ऑक्सीजन कितना था 16 × 2, टोटल हो गया हमारे पास 24 + 4 + 32, कितना हो गया 60 ग्राम पर मोल. ठीक है, ये आ गया.
उफ जल्दी करो। अब बेंजीन की बारी, लिख लिया ना आपने? अब बेंजीन, बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या है बताओ? बी ई एन जी ई एन, बेंजीन कितना हो गया इन के जी? कितना फॉर्मूला? 75 ग्राम बोला ना इन्होंने अभी, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन किसमें? 1 ग्राम पर के जी, 1000 ग्राम पर के जी। तो इसका फॉर्मूला कुछ आ जाएगा हमारे पास, 75 मल्टीप्लाई 10^-3 के जी है ना, पर के जी निकालना था ना, निकाल दिया, लिखो इसको फटाफट। ठीक है आगे, तो मोलैलिटी MOLALITY ऑफ किसकी? C2H4O2 की कितनी आ जाएगी? फॉर्मूला क्या आएगा? मोल्स ऑफ किसके? C2H4O2 इथेनोइक एसिड अपॉन के जी ऑफ कितने? बेंजीन, बेंजीन C6H6 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है तो 0.4 अभी निकाला ना ऊपर, 0.0417 मोल इंटू 1000 ग्राम पर के जी अपॉन कितना? 75 ग्राम। ठीक है इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से सॉल्व करो, ये आ जाएगा 55.6 मोल पर ग्राम, पर ग्राम। ठीक है समझ आ गई, होपफुली समझ आई होगी। देखो ज़रा और कोई क्वेश्चन है जो निकालने वाला है, अभी तो यहाँ पे ही है और ऊपर से एक्सरसाइज दिए हुए हैं, इंटेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, पेज नंबर कितने? 39 पेज नंबर पे इंटेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको ट्राई करो, आंसर्स आपको मिल जाएंगे नेट पे। ठीक है अगर मुझे कोई फरमाइश करेगा तो मैं इनको भी सॉल्व कर दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल जो दिया हुआ मैंने फिलहाल वही सॉल्व कराया, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड। ठीक है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली है, फिर उसके बाद हम लोग पेपर वाला जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो करेंगे, तो ख़त्म करेंगे ये जल्दी जल्दी, काफ़ी लंबा पड़ गया ना, मेरे घर में काम नहीं लगा होता तो मैंने इस टाइम पे ख़त्म करा देना था ये वाला चैप्टर। सो ठीक है मिलते हैं कल, जल्दी से लाइक कर दो, लाइक करना ज़रूरी है, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में अगर समझ आ गई है तो, अगर क्या आई होगी, क्यों नहीं आई होगी, तो प्रैक्टिस करो ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है सो मिलते हैं दोबारा कल, उससे पहले मैंने एक वो वीडियो डाली है इसी चैनल पे, मैंने एक वीडियो डाली होगी अभी अभी, कौन सी डाली है यार, अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो आपको पता ही है मेरा दूसरा चैनल है funzilla.com, वहाँ पे मैं 100 डेज चैलेंज ऑफ डिज्नी करेक्टर, मेकिंग डिज्नी करेक्टर्स निकालती हूँ, 63 डेज मैंने बना दिए हुए हैं, तो 100 पूरे होने वाले हैं, हाँ होने वाले हैं, अगले महीने होंगे, तो वो भी देखा करो, उसको भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है तो मिलते हैं कल, लाइट भी बंद होगी, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, मीट यू नेक्स्ट टाइम।